आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गन्ना समिति डोईवाला में भी बैठक की गई, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला के किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई और शांतिपूर्वक भारत बंद का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गन्ना समिति डोईवाला में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला के किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई और शांतिपूर्वक भारत बंद का ऐलान किया। ये बात ये इस तरह से चल रही है कि ये आंदोलन चलते को 9 महीने से ऊपर हो गए, सैकड़ों किसान अभी तक बलिदान दे चुके हैं और ये एक ऐसा मौका है जिसमें कि हम सारे हिंदुस्तान में ये जागृति पैदा करना चाहते हैं कि ये जो सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं, इसका प्रभाव सिर्फ एक किसानों पर नहीं पड़ता लेकिन हमारे समूचे समाज पर पड़ता है। किसान नेता दलजीत सिंह ने कहा कि शांतिपूर्वक भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसे पूर्ण रूप से सफल बनाया जाएगा। ताजेंद्र सिंह और उम्मेद बोरा ने कहा कि भारत बंद को लेकर व्यापारियों से भी समर्थन मांगा जाएगा, क्योंकि व्यापारी भी किसानों से जुड़े हुए हैं और जो लोग किसी राजनीतिक रूप से किसानों को समर्थन नहीं करते उनका किसान बहिष्कार भी करेंगे। चीनी मिल के जो अधिकारी हैं उनसे हम लोग जाके बात करेंगे और एक एक दुकान पे हम लोग जाएंगे और सबसे अपील करेंगे, हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये व्यापारियों का आंदोलन है, इस देश के नागरिकों का आंदोलन है। कृपया 27 तारीख को आप लोग अपनी दुकानें और भारत बंद करने में हमारा साथ दीजिए। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा और कांग्रेसी नेता मोहित उनियाल ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए सभी किसानों से समर्थन मांगा है। डोईवाला से जावेद हुसैन, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।